नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन में रविवार शाम तकरीबन 7:15 के आसपास होगा। उसके पहले इस पूरे इलाके में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके लिए अलग से जिन होटल्स में रुकने की व्यवस्था की गई है वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और नई दिल्ली का इलाका, खासतौर से राष्ट्रपति भवन का इलाका शनिवार दोपहर दो बजे के बाद कंट्रोल जोन में तब्दील हो जाएगा। अब कैसे इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है तीसरी आंख से, यहां से कोई भी संदिग्ध बच के नहीं निकल सकता। आप देखिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम में हम मौजूद हैं और एक एक गाड़ी पर किस तरीके से सुरक्षा जवानों की, दिल्ली पुलिस की नजर है। एक एक गाड़ी को वो देख रहे हैं, कोई भी गाड़ी बिना जांच के वो आगे नहीं बढ़ सकती। और दूसरी चीज, 2 बजे के बाद जो ये इलाके आप देख रहे हैं, जो कैमरे में नजर आ रहे हैं, ये सारा का सारा इलाका जो है वो कंट्रोल जोन में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। तो आप देखिए लगातार इन पुलिस कर्मियों की नजर है। आप देखिए कितने कैमरे, तकरीबन 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इस पूरे इलाके में लगाए गए हैं, जहां पर लगातार इन कैमरों से नजर रखी जा रही है और इन कैमरों की निगरानी ये सतर्क पुलिसकर्मी जो आप देख रहे हैं यहां पर मौजूद हैं वो यहां से रखे हुए हैं। वो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर यहां से उन्हें कुछ भी संदिग्ध नजर आएगा तो फौरन ये आगे जो आला अधिकारी हैं उनको देते हैं और वो आगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि मौके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान भी तैनात हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।